देखिए आज की डेट में पीपीएफ 2023 में हर कोई कर रहा है, अगर आप पीपीओ और टीपीएच में फर्क भी बता दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आया हूं द डिटेलिंग हीरोज पे। एक्चुअली यहां पहले रैपाहोलिक्स हुआ करता था, बट अब जो है नाम चेंज हो चुका है। तो अंदर मेरे को दो गाड़ियां दिख रही हैं पीपीएफ होते हुए। तो एक बार गौरव भैया से चलते हैं, पूछते हैं, थोड़ी डिटेल्स लेते हैं, क्या कॉस्टिंग आती है, क्या सब कुछ रहता है। तो एक बार अब अंदर चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं डिटेलिंग हीरोज के अंदर। अभी आपको थोड़ा सा सेटअप ना चेंज दिख रहा होगा, काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। तो गौरव भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। और क्या क्या सेटअप कर लिया नया? कुछ सेटअप नहीं करा, बस दो बेस बना दी है पीपीएफ के लिए, और एक ये तीसरी बे तो है ही, साथ में बाहर का जो एरिया है वो बस यही बनाया है। तो एक बार आप काम दिखा देते इस कार पे क्या हो रहा है। पीपीएफ हो रहा है, वेन्यू है, हुंडई की वेन्यू है, इस पे पीपीएफ चल रही है। साथ ही बे में जो है स्कॉर्पियो एन पे पीपीएफ कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फिटिंग पे दोबारा से बनती है जो खोली गई थी, वो सारी मतलब तैयार हो रही है वो गाड़ी। भी अब थोड़ा इसका बेनिफिट बताओ, एक कलर कौन सा और इस कलर पे करानी चाहिए या नहीं? स्टील ग्रे है, हरे कलर पे करानी चाहिए, क्योंकि पीपीएफ तो स्क्रैच को रोकती है ना, वो तो हरे कलर पे स्क्रैच आ सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जैसे मान लो व्हाइट कलर लिया मैंने, उस पे पीपीएफ करवाई तो कुछ टाइम बाद वो व्हाइट कलर पीला दिखने लगे, वो लोगों की क्वेरीज रहती है ये। तो ऐसा कुछ होता है? होता है, बिल्कुल होता है, यूवी रेस से जो है वो पीलापन आता है। लेकिन अगर कुछ भी ना कराओगे तो स्क्रैच के स्क्रैच भी लगेंगे और साथ साथ वो ओरिजिनल पेंट भी पीला पड़ेगा। अब हमारे पास लेकिन चॉइस आ चुकी है व्हाइट कलर्ड पीपीएफ की। ओके, हाँ, जो कि पीला नहीं पड़ेगा। दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर काफी सारा आपको रोल्स दिख रहे होंगे रैप और पीपीएफ का, तो भैया अब दिखाओ व्हाइट पीपीएफ। ये है व्हाइट पीपीएफ, थोड़ा सा फैला हुआ है। ये मियामी ब्लू पीपीएफ है, ये ब्लैक पीपीएफ है, ये नाडो ग्रे है, रैप है ये। और ये आपका सिल्वर ग्रे, ये नाडो ग्रे की दूसरी शेड है। तो काफी सारी चीजें जो हम यूज कर लेते हैं रैप्स वगैरह, वो यहाँ रखे हुए हैं। फ्रेश रैप्स वगैरह वहाँ रखे हुए हैं। वो आजकल तो मेरे ख्याल से 10 से 12 जो है कलर्स आ चुके हैं जो मिल रहे हैं पीपीएफ के अंदर, ग्रॉस पीपीएफ के अंदर जो कलर्स अवेलेबल है 10 से 12 कलर्स हैं, और 250 कलर जो है वो हमारे पास रैप्स के अवेलेबल है। बिल्कुल। और भैया अगर मान लो व्हाइट कोई कलर की कार है, सपोज मैं ब्रेजा ले लेता हूँ, उस पर अगर कोई व्हाइट पीपीएफ करवाना चाहे तो उसकी क्या कॉस्टिंग है? कॉस्टिंग जो आएगा 52,000 कॉस्ट करेगा। और नॉर्मल पीपीएफ जो आते हैं ट्रांसपेरेंट वाली, उनके भी 52,000 कॉस्ट करती है, 5 ईयर्स वारंटी वाली, उससे ऊपर भी है हमारे पास, उससे नीचे भी है। उससे नीचे टीपीएच आता है 3 साल वारंटी के साथ, 40,000 कॉस्ट करता है, जो उससे ऊपर आता है 70,000 कॉस्ट करता है, 7 ईयर्स वारंटी, इंस्टेंट सेल्फ फिलिंग। एक बार आप टीपीयू और टीपीएच में फ़र्क भी बता दो लोगों को। टीपीयू और टीपीएच में मेन फ़र्क जो है केमिकल कंपोजिशन का है। उसके बाद दूसरा फ़र्क जो कस्टमर्स के लिए फ़र्क आएगा वो है लाइफ का, शाइन का, ये मेन फर्क है कस्टमर्स के लिए। Okay. अच्छा गौरव भैया, स्कॉर्पियो जो मैं देख रहा हूँ इस पे भी पीपीएफ होनी है या हो चुकी है? ये हो चुकी है पीपीएफ, ये तो पता भी नहीं लग रहा, बस जाने को नहीं पता, मेरे ख्याल से ऐसे तो नहीं पता लगेगा। नहीं, जैसे मैंने कुछ जगह देखा लोग बबल छोड़ देते हैं, मेरे को एक भी बबल नहीं दिख रहा। नहीं देखो, अभी शायद से थोड़े से गंदी है, बबल आते हैं लेकिन 19-20 ही बबल आते हैं, अगर बहुत ज्यादा बबल्स आ रहे हैं तो वो एप्लीकेशन फॉल्ट है। ओके, तो अगर आप डिटेलिंग हीरोज पर आ रहे हैं तो आपको ये चीज जो है काफी ज्यादा सही देखने के लिए मिलेगी, आपको बबल्स बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, दिखेंगे भी तो ना के बराबर दिखेंगे, लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, देखिए आज की डेट में पीपीएफ 2023 में हर कोई कर रहा है, हो सकता है 2024 या 25 तक पंचर वाले भी पीपीएफ करने लगे। तो मेन फर्क आएगा आपका एप्लीकेशन का, बिल्कुल, जो कलाकारी है हाथ की कलाकारी जो है उसका फर्क आएगा। चिपका तो हर कोई रहा है पीपीएफ, मेन तो फिनिशिंग का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हमने यहाँ से जीप कंपस करवाई थी, उसमें आज तक दिक्कत नहीं आई है, 1.5 साल हो गया गाड़ी को, आज तक पीपीएफ ऐसी की ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं आई है। और भैया आप इसकी कॉस्टिंग बता दो, आप अगर इस पे जैसे पीपीएफ करवाई है, इस पे नॉर्मल पीपीएफ हुई है? नहीं, इंस्टेंट सेल्फ फिलिंग हुई है, इस पे 7 ईयर्स वारंटी आती है। हमारा ब्रांड जो है राइनो पेंट शील्ड है जो हमने यूज करा है। Okay. उसका रैप्टर सीरीज लगा हुआ है इस पे। Okay. हाँ, 7 ईयर्स वारंटी प्लान के साथ आता है, कॉस्ट करता है 70,000। ये स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के लिए, स्कॉर्पियो एंड फुल साइज एसयूवी, स्कॉर्पियो एंड सफारी, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इन साइज के लिए। और अगर मिड साइज एसयूवी, क्रेटा ले ले, सेल्टोस, कॉम्पैक्ट एसयूवी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का कॉस्ट करता है फॉर इंस्टेंट सेल्फ फिलिंग 60,000 रुपीज। रेट भी सही है, कोई ज्यादा? हमारा सबसे बेस्ट पीपीएफ है,
इससे ऊपर हमारे पास पीपीएफ नहीं है, इससे नीचे जरूर है। नहीं तो आप जब जैसे हम गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, एक स्कोडा ली थी एक फ्रेंड ने, लाख रुपए की पीपीएफ हुई है। देखिए अपना मार्जिन भी तो रखेंगे। बिल्कुल। अब देखिए हमारे स्टोर और उनके स्टोर में थोड़ा सा फर्क रहता है। हमारे स्टोर में कोई यहाँ पर आपको पानी पूछने नहीं आएगा, जूस पूछने नहीं आएगा। बिल्कुल। क्यों, कॉस्टिंग हमने कम कर रखी है। हाँ जी। एट द एंड वो आपको कस्टमर ही तो पे करेगा उस कॉस्टिंग को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मजे हम लेंगे उसको कस्टमर ही पे करेगा। बिल्कुल। मैं करोड़ रुपए लगा के आउटलेट बना दूं, वो कस्टमर की जेब से जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जाएगा। और भैया थोड़ा अब एड्रेस बताओ, सेम है क्योंकि नाम चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली नाम से नाम बदल गया है लेकिन काम एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम है। हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश एमपी में, सोनीपत में, देहरादून उत्तराखंड और आपका गुड़गांव, यहाँ पर स्टोर्स खुल रहे हैं। इस नवरात्रे के एंड तक या फिर इस साल के एंड तक सारे आउटलेट्स जो है वो चालू हो जाएंगे। और आपको जो डिस्क्रिप्शन में है वो सारी गूगल मैप्स की लिंक्स मिल जाएगी और नंबर आपको फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी क्वेरीज आपकी पीपीएफ रैप से रिलेटेड, कैसी भी क्वेरी है, सिर्फ और सिर्फ उसको चाहे मेरे पास से करानी है, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और उनको खाली पीपीएफ का रोल चाहिए, एप्लीकेशन का चाहिए, उनको ये पता करना भी है सिरेमिक्स बेटर मेरी गाड़ी के लिए, ग्रेफिन बेटर है, पीपीएफ बेटर है, रैप बेटर है, या कुछ भी नहीं कराऊं खाली वैक्स से भी काम चल जाएगा या खाली धोने से भी काम चल जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कॉल करके या व्हाट्सएप पे मेरे नंबर है डायरेक्टली जो शो होगा आपकी स्क्रीन पर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और उस पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम है। पर्सनली मैंने भी करवाया जीप कंपस पर, मेरी गाड़ी पे भी ब्लैक पीपीएफ हुई थी छत पे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। सो काम बढ़िया लगता है तभी लेके आते हैं, तो आप भी यहाँ पर आके ट्राई कर सकते। सो गाइस दिस इज फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब आप देख सकते हैं इन दोनों कार्स पे पीपीएफ हो रही है, उस पर हो चुकी है, बस फाइनल फिनिशिंग चल रही है एंड इस पे कल तक हो जाएगी। बट आपको प्रोसेस तो पता है पूरा कैसे होती है पीपीएफ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी रखी नहीं वीडियो। आपको भी अगर करानी है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं डिटेलिंग हीरोज़ पे। और ये पीपीएफ करते हैं राइनोज की यूज़, देखिए आप वहाँ पर लिखा भी हुआ है और जो कि काफ़ी अच्छी पीपीएफ है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काम तसल्ली से होता है और अच्छे से होता है। सो अगर आपको विजिट करना है तो आपको डिटेल्स मैंने दे ही दी है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।